गोनियाणा मंडी विखे मनाया गया आम आदमी पार्टी वालों शहीद आजम सरदार भगत सिंह का शहीदी दिहाड़ा। इस समय आम आदमी पार्टी के देहाती प्रधान गुरजंट सिंह सिवियां ने बोलदिया कहा कि भावें उन्हां वालों काले अंग्रेज़ां तों साडे देश नूं आजाद करवा दिता सी, पर हुण साडे गोरे अंग्रेज़ां ने फिर साडे देश नूं गुलाम करके रख्या होया है। उन्हां केंद्र सरकार से बोलदिया कहा कि जो केंद्र दी सरकार ये तीन काले कानून लेके आई है ये उन्हां गोरे अंग्रेज़ां नाल गोनियाणा मंडी विखे शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का जिहड़ा शहीदी दिहाड़ा 90 मार्च वह मनाया गा तो हिंदुस्तान के लोगों नूं आजाद कराया शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने राजगुरु सुखदेव ने। तो बड़िया आसा तो उम्मीदा सी उन्हां दीआं भी देश आज़ाद होगा तो मेरे देश के लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा, पर होया यह भी गोरे अंग्रेज़ों तो देश आज़ाद कराने तो बाद एक काले अंग्रेज़ों का जिहड़ा कलाम हो गया, जिहड़े काले कानून अज मोदी हिटलर बन के लोगों ते किसानों ते थोपी बैठा गा वो काले कानून 1907 दे विच भी अंग्रेज़ सरकार ने थोपे सी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह दे चाचा ने वो लड़ाई जिहड़ी 9 महीने लड़ के तो कानून वापस कराए सी। अज भी शहीद भगत सिंह की सोच दे बहुत ज़्यादा लोग हिंदुस्तान दे विच पंजाब दे विच जिउंदे आ, वो मोदी की हिक ते गोडा धर के काले कानून वापस करा के रहणगे। बड़े उत्साह दे नाल पुच्छो हल्के दे वर्करां ने जिहड़ा इह प्रोग्राम आ उन्हों सैलीब्रेट किया, सारे कट्ठे हुए सी, असी कट्ठे होकर प्रोग्राम जिहड़ा कीता गा। तो मैं सारे हलका पुछो दे वर्करां दा तहि दिलों धन्नवाद करदा गा ते जिन्हां शहीदी दे परवानियां नूं सरदार भगत सिंह जी राजगुरु सुखदेव नूं नमन करदा, श्रद्धा दे फुल भेंट करदा। जे तुसीं चाहुंदे हो कि हर तरह की खबर तुहाडे तक पहुंचे तो तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो अते घंटी नूं ऑल ते करो।